एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ और संविदा कर्मी देवेश शर्मा को ट्रैप किया है। दोनों को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमन ने ये जानकारी दी। बायोफ्यूल के व्यापार को निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 15 लाख रुपए मासिक बंदी के रूप में और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने सत्यापन कर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं उप महानिरीक्षक पुलिस विष्णुकांत के निर्देश में आगे की कार्रवाई जारी है। आरोपी के जयपुर शहर स्थित निवास स्थान, फार्म हाउस और अपार्टमेंट में तलाशी की जा रही है। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई से जुड़ी एक खबर, बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सुरेंद्र सिंह को 5 लाख रुपए की घूस लेते ट्रैप किया था। सुरेंद्र सिंह के घर पर अब तक मिल चुकी है 4 करोड़ से ज्यादा की नकदी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने नोटों की गिनती के लिए मंगवाई है 0.5 दर्जन मशीनें। सहकार मार्ग स्थित फ्लैट से मिली है 50 महंगी शराब की बोतलें। सुरेंद्र सिंह के 0.5 दर्जन ठिकानों पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड। बड़ी संख्या में मिले हैं प्रॉपर्टी के दस्तावेज। वैशाली नगर, क्वींस रोड, गांधी पथ पर एक प्लॉट है। झोटवाड़ा के तारानगर में घर और प्लॉट है। सहकार मार्ग पर आलिशान पेंट हाउस और फ्लैट। कालवाड़ रोड पर एक प्लॉट के मिले हैं दस्तावेज। लग्जरी गाड़ी भी संपत्ति में शामिल है। जगुआर, फॉर्चुनर, थार जैसी लग्जरी गाड़ी शामिल है। वैशाली में कुबेर कॉम्प्लेक्स में शॉप्स शामिल है। एंटी करप्शन ब्यूरो को रोब में बोला था घूसखोर, मैं 1000 करोड़ रुपए का आदमी, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। आरोपी जो हैं सुरेंद्र सिंह राठौड़, ये बायोफ्यूजल अथॉरिटी के, बायोफ्यूल डीजल अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं और इनके द्वारा जो है 15 लाख रुपया मंथली और 5 लाख रुपया इनका जो लाइसेंस है उसको रिन्यूअल के लिए टोटल 20 लाख रुपए की डिमांड करी गई। उसमें आज जो है 5 लाख रुपये देते हुए इनको ट्रैप किया गया है। इन्होंने अपने जो संविदा कर्मी हैं देवेश शर्मा, उनको ये 5 लाख रुपये दिलवाए हैं।